साहिबगंज की महिला दरोगा रूपा तिर्की की संदिग्ध परिस्थिति में मौत मामले की जांच कर रही सीबीआई को एक ऑडियो वीडियो मिला है। 27 मिनट 23 सेकंड का यह वीडियो मांडर के विधायक सह पूर्व मंत्री बंधु तिर्की और रूपा तिर्की के स्वजनों के बीच बातचीत से संबंधित है। 10 जून को बंधु तिर्की रूपा तिर्की के स्वजन से मिलने गए थे। उन्हें स्वजन को भरोसा दिलाया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व उनकी जांच टीम पूरी तरह से निष्पक्ष जांच कर रही है। कहा था कि स्वजन सीबीआई जांच की अपनी मांग संबंधित जीत को छोड़ दें और सरकार के माध्यम से हो रही न्यायिक जांच पर भरोसा रखें। उन्होंने रूपा के स्वजन को सरकारी नौकरी, मुआवजा और पेट्रोल पंप तक दिलाने का आश्वासन दिया था। ऑडियो वीडियो में यह सारी बातें हैं जिसका सीबीआई अध्ययन कर रही है। गौरतलब है कि साहिबगंज की महिला दरोगा रूपा तिर्की की 3 मई को संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। उनका शव साहिबगंज स्थित उनके सरकारी क्वार्टर में फंदे से लटकता मिला था। जेके न्यूज नेटवर्क ऐसी ऑडियो वीडियो की कोई पुष्टि नहीं करता है। देखते रहिए जेके न्यूज नेटवर्क। कीड़ा उड़ा गिरने बात का तो सरकार से साहब बचा लेते हैं, मतलब विपक्ष से विरोध करने से पहले आप ही बोल देते हैं, इसलिए बच जाता है विरोध को। ये वाला मामला ना कौन सा लैंड म्यूटेशन बिल, हाँ, उसमें आप बोल दिए थे। अभी आप लोगों को जो लोग यहाँ पे हैं, आप लोगों को बहुत बारीकी से चीजों को इन सब चीजों को सही निर्णय, लेकिन इनको सुझा देना, इनको जाने का मतलब सिंपली बात है, अपनी बात को रखना। कल अगर ये नहीं मानेंगे कि हमको सीबीआई जांच ही चाहिए तो हमारा कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो कोई नहीं कर सकता है। इसके मुख्यमंत्री का बात से कैसे संतुष्ट होता है इसको समझना है, ताकि कल का डेट में ही नहीं बोलेगा ना जी कि नहीं ऐसे हुआ वैसे हुआ ऐसे हुआ। अरे आप बात करने के तो आप ना गए हो भैया, क्या दोनों चीज है ना, जैसे अभी बुलाया है मुख्यमंत्री, हम लोग नहीं गए, हो सकता है मतलब इस केस का दूसरा रूप हो जाए और फिर बाद में हम कोशिश करेंगे फिर मुख्यमंत्री पास जाने का ही नहीं है, तो फिर वो भी बोला जाएगा कि हम नहीं बोले। कोई भी नहीं चाहेंगे ना, जब हम आपको बुलाए आप आए नहीं। मैं बात को समझना है, किसी को मसाला चाहिए तो हमको मसाला नहीं बनना, हमको अपना विवेक से उमेश अच्छा पला में का हो जाए जो ना बोला कि हम लोग ये बोले कि तो बोला कि हम लोग को नहीं कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को पैसा हम लोग मर गया आदमी लोग पैसा नहीं ही चाहिए नहीं चाहिए, तू तो बोला ना जब लेना था तो फिर गप गप ले लिया सब चीज को बता दे तो होता ही है सब का हो। हम लोग सब यही पे किए थे, इसीलिए हमको तो न्याय भी चाहिए और उसको मुझे कुछ मिलना भी चाहिए। ये इसलिए हम डाल दिए है वो मामला कि भाई आप इसलिए कि ट्राइबल है, आप ट्राइबल को आगे बढ़ाना भी आप चाहते हो तो पेट्रोल पंप के लिए सुन सकते हैं। हम पैसा 50 लाख 1 करोड़ दीजिए नहीं बोले, हम सम्मानजनक राशि दीजिए और नौकरी उपलब्ध कराएंगे उनका परिवार जी। चलो कहोगे तो किसे होगा, हाँ कुछ नहीं है ना, लेकिन हमको ये जब आ तो सामने में ही बात हुआ था यहाँ खाली पेट वाला, खाली पेट वाला खाने के पहले दवा खाना है, इसको
दवा ले आइए, मेडिकल तो खुले होगा। नहीं तो वहाँ पे दवा खा रहे तो ठीक ट्रेन में किसी को तो आदमी को पता होगा ही किस कंपनी का है, क्या कितने बाप का है। बाप बस वही मच्छर है रे। नहीं कुछ कुछ फंस जाता है तो ज़्यादा। नहीं एक ही बार में नहीं किया था, उसमें सकते रहता है। हाँ तो हाँ हाँ तो चाहिए निकलने के बाद में कहाँ पर खाना पीना होगा वो तो पता नहीं। हम भी अमर बोले यार देखो हमको बहुत भूख लग रहा है, खाना वाना बनवा कुछ। गाड़ी बोला तो उसमें अचानक निकाल कर लाए बोला खाना तो पैक करवा देते हैं। अभी बोले कि हमारे को खाना पोषण बनाओ सुने क्या हो जाते हैं तुम्हारा चावल ही छूट गया सुबह बोला तुम्हें खाना शुगर का दवा दे दो पेपर हो ना न्यूज पेपर में रहने से नहीं टाइट नहीं होगा। जो भी है दे दीजिए और बात को जानते है ना मैं दो आदमी अच्छा से बात को रखेगा उसको आपस में बात क्या बात होना चाहिए। हम लोग में होता क्या है तुम गौर करोगे तो मिल जाता है ना। तो बोल नहीं तो बात सिराल करो सिरावो नहीं करो तो दूसरा शुरू जो कह रहे तो उसको पहले पूरा सुनिए और अगर आपका ही पार्टी कुछ बोल रहा है तो उनको बोलने दीजिए पूरा कम्प्लीटली तब उसको छेड़िए क्योंकि अधूरा बात हुआ और आप घुस गए बीच में सुनने वाला बात कहीं जगह में जा रहे हैं ना तो वहाँ बात रखने का कि मेरा हार्दिक इच्छा है कि एकदम न्याय भी हो और मेरा मेरा ही व्यक्तिगत आपको हम बाकी आप लोग मानिए न्याय भी हो और मुजरिम पकड़ा हुआ सजा भी हो और उसका क्षतिपूर्ति भी सरकार को देने के लिए समय काम करना चाहिए। एकदम टाइम से देना
छठी बात आप तो नहीं बोलते हैं कि भाई हमको ये दीजिए उदय बोले, वो हम लोग उनको बोलना ये क्षतिपूर्ति। जैसे हम आज स्पष्ट भी है कल अखबार में भी आ जाएंगे कि हम बोले हैं कोई आप आदिवासी का विकास ही चाहते हैं तो आप पेट्रोल पंप तो उसका अनुशंसा कर दीजिए, उसका परिवार व्यक्ति को नौकरी दे दीजिए और सम्मानजनक राशि दे दीजिए, ये बात हमने कहा है। क्षतिपूर्ति जाँच भी हो न्याय उसको जाँच मैंने न्याय बोले जांच के साथ साथ वो उसका मैंने उसका जो मुजरिम है वहाँ तक पहुँचिए, लेकिन ये क्षतिपूर्ति भी होना चाहिए क्या। अब बहुत कोई कल एंगल बोलेगा देखो ये मांग करके पूरा ऐसे ही कर रहे हो कर रहे ये बोलेगा कल, क्योंकि हम लोग होता है ना हम लोग विशेष हम लोग में हम लोग एक खाल टाइप है पूरा आदिवासी का नेचर। अरे छोटे छोटे हम तो खुली अपने चार को बता रहे हाँ। कल का मैं ले बहुत इसीलिए एक एक को लिख करके एक तो जमीनों को लिख करके दे देगा पूरा 10,000-5,000 में दे दिलियो तो पैसा दे घुरा ली नहीं वो एक बार तो लियो तो हम ग्राम काटे जाओ। इसी कारण से तो इसी चलते हम लोग आधा कहानी खत्म हो गया हर मुँह में जो शुरुआत करा दिए थे जो जमीन का इसमें तो हम लोग के जमीन में अदर लोग हैं लोग के पास कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है तो इसी में अगर अपना ही आदमी कह रहा है जब हम थूक के दे दिए तो हम अभी उसको लेंगे हम लोग आदमी बोलने में बहुत आसान है आसान है एक बोत एक गिलास हल्का मार लिया फिर कितना थूक देगा और कैसे नहीं करेगा बता दे लेकिन समय के अनुसार में बुद्धिमत्ता नहीं है। चलो रोक तो हाँ देखते हैं चाबी लगा देना तो चाबी घर में फिर करना हो अभी तो खाना पीना सब निकालने जा रही है तो टाइम भी बहुत हो गया हाँ है तो ठीक है सीमित है और सब भी है वो तो गुस्सा है इधर उसके बाद निकल गया कोई बात नहीं चले हाँ
मारने वाला जूता में इतना दिक्कत होता है।